लोगों ने वर्गमूल को निकालना जान लिया था, वर्गमूल कैसे निकलता है आज हम घनमूल को सीख लेते, फिर एक छोटा सा ट्रिक भी सीखेंगे कि दशमलव में है या किसी संख्या का निकालना हुआ कैसे निकालना आसान होता है। चलिए साथ में घनमूल की भी बात कर लेते हैं। घनमूल में कुछ भी विशेष नहीं करना होता है, बस तीन तीन का जोड़ा बनाकर बाहर निकालना होता है। इसे वर्गमूल में होता है, सेम प्रोसेस घनमूल के साथ भी होता है। अगर घनमूल में अगर हम लोग देखना चाहें, जैसे दे दिया कि यहाँ पे या कड़ी में 27, ठीक, इसका मान क्या होगा? यदि अंडर रूट में अगर 27 है, इसका मान क्या होगा? ठीक, क्या होगा? अभी 3 नहीं होगा। कब तक 3 नहीं होगा? जब तक कि हम कड़ी की घात 3 नहीं लिखेंगे, तब तक घनमूल नहीं निकलेगा। जब तक इसे कड़ी की घात 3 ना लिखते, ये कड़ी की बात डिपेंड करता है ये कितना बाहर निकलेगा। अभी समझ में आया? अब इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 3 × 3 × 3 यहाँ पे 3 दिया है, 3 का जोड़ा बन के बाहर आएगा, कितना होगा? 3। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 3। तब ये घनमूल निकलेगा। अथवा इसे अगर हम 27 का गुणनखंड कर दें इस तरह से, तो जाएगा 3 × 9, 3 × 3, 3 × 1, फिर हो जाएगा 3 × 3 × 3, जोड़ा बनाया 3 का, 3 बाहर होगा, पता चला ये क्या हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये क्या आंसर? ठीक, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? या कर लेंगे, किसी भी संख्या घनमूल निकाला, 3 का जोड़ा बनाइए, बस एक कंडीशन है। इसको सीखने में पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग सहमति दे तो आगे बढ़ाइए। ठीक, या इस पर हम वीडियोज आपको उपलब्ध करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए, हमने बताया था 1 का क्यूब अगर निकालेंगे तो 1 × 1 × 1 = 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 का क्यूब करेंगे तो सेम प्रोसेस आने के बाद क्या होगा? 8 मिलेगा। 3 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। 4 का क्यूब करेंगे तब इस तरह आप क्या करेंगे, क्यूब आपको याद रखना होगा। कहां तक? हमने 4 तक का लिख दिया। अब आप जो पूरा क्यूब लिखेंगे वो होगा आपका, कम से कम आप 30 तक तो याद करके रखिए, 30 तक का क्यूब आप याद कर रखिए। कहेंगे सर 30 तक याद करने से क्या होगा? आपको आगे की जो गणित है वो बेहद आसान हो जाएगी। मैंने आपको 15 तक लिखवाया था, इसके पिछले हमने पढ़ाया भी था, वहाँ मैंने आपको 15 तक का क्यूब लिखवाया हुआ था। तो जितना आप याद करेंगे उतना आपके लिए गणित आसान होता जाएगा। अभी कहेंगे नहीं सर कैसे आप कह रहे हैं, तभी हम आगे दिखाएंगे कि वास्तव में गणित अब सरल होगा या नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना होगा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कल इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हम केवल कुल कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो अब 4 का क्यूब अगर जानते हैं, 5 का क्यूब क्या होगा? 125 कितना होगा? 125। 6 का करेंगे तो 6 का कितना है? 216। आप लोग जानते ही हैं 216। 7 का 300 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। इतना लिख लीजिएगा या आप इसकी शॉर्ट रख लीजिएगा। ठीक, फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया 9 का क्यूब 729। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? फिर आगे बढ़ा जाए, जैसे स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा या फिर आगे बढ़िएगा। तब तक इधर वाला इरेज कर दे रहे हैं। अब 9 के बाद 10 का क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे 1, उसके बाद 0 क्यूब करेंगे तो 0 0 0। अब 11 का क्यूब करेंगे तब 1331। 12 का क्यूब करेंगे तब कितना आएगा? 1728 लिखवाएं आप लोग को याद होगा।
13 का क्यूब कितना होगा? 97। 14 का क्यूब 14 का क्यूब कितना है? 2744। ठीक, ये हो गया। फिर 15 का है, अगर हम पंद्रह का क्यूब 3375। 1694। इस तरह आप लोग को 30 तक याद करना है। 21 का भी है, याद करेंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसान लगेगा, नहीं याद करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज आपको बहुत कठिन लगेगी, इसलिए मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। याद करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तक सरल हो जाएगा, कहेंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज से क्या ताल्लुक है। चलिए आगे करके बताते हैं, याद कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसे आप याद कर लीजिएगा, बिना इसके याद किए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आते हैं छोटे छोटे ट्रिक को सीखते हैं, हो गया ना, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। जैसे दे दिया जाए कणी में 0.04 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या होगा बताइए। क्या होगा, क्या होगा, नहीं निकल पा रहा है, कुछ नहीं करना है। जब भी हम इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आएंगे, हम ये मानेंगे कि दशमलव इसमें नहीं लगा है, दशमलव नहीं लगा है तो चार का वर्गमूल क्या होगा। लेकिन एक बात का ख्याल करेंगे, यहाँ पे ख्याल क्या करेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद जोड़ा बन रहा है कि नहीं, हमें दिखाई दे जोड़ा बन रहा है, दशमलव के बाद अंकों का दशमलव जोड़ा बन रहा है, तो जब जोड़ा बन रहा है तो हमें जानते हैं क्या हो जाएगा, ये इसका चार का वर्गमूल 2, एक अंक में दशमलव लगा देंगे फिर 0, इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 0.05। अगर ये इस तरह से दिया गया फिर इसका वर्गमूल निकालना हुआ कैसे निकालेंगे, बेहद आसान। पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे 1 2, क्या करेंगे हम, फिर जोड़ा बनाने के बाद हमें एक बात विदित होगा, क्या होगा ये देखते हैं, ये चार का वर्गमूल क्या होगा 2, याद होगा तब। उसके बाद क्या जोड़ा बना, 1 2 3, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 3 दशमलव माने 2 अंक 3 दशमलव, दशमलव नंगा नहीं छोड़ते, ये हो गया आपका। कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत? अगर ये दशमलव अगर इस तरह से लगा होता जैसे 0.4, तब 2 नहीं आएगा, ये जोड़ा तब ये भाग विधि से निकलेगा, किस विधि से, भाग विधि से, ठीक, तब ये इसका 2 नहीं आया। तो अगर कोई इसका ये लगाता है 0.02 तो गलत, तब ये जोड़ा बनता हो जाएगा, कैसे, तब इसका वर्गमूल इसके मान से ज्यादा आएगा, ये हो जाएगा 0.4, 0 बढ़ा दिए, जोड़ा बना लिया, इसे जितना 0 बढ़ा सके, अब ये जाए कितनी बार, 6 बार। तो जब विपरीत अंकों का दशमलव हो, जब विषम अंकों पर दशमलव हो, तो उसका वर्गमूल सदैव भाग विधि से निकले, लेकिन जब सम अंक पे होगा उसका वर्गमूल तुरंत और आसानी से निकल जाएगा। कोई समस्या आ तक, इसे कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये समझे रहेंगे तो आगे आसान हो जाएगा, नहीं समझे रहेंगे तो कोई बात नहीं, इरेज करें। अब देखते हैं हम लोग अन्य विधि कोई, जैसे अगर दे दिया जाए जीरो दशमलव 0729,
का वर्गमूल क्या होगा? 0.0729 का वर्गमूल क्या होगा? उम्मीद करते हैं आपका वर्गमूल इसका एकदम आसानी के साथ निकाल लो। करना क्या है आपको, देखिए क्या करना है। यहां पे सबसे पहला काम देखेंगे, इसका जोड़ा बना देंगे। इनका क्या हो जाएगा जोड़ा 729, माना दशमलव नहीं है, 729 का वर्गमूल क्या होता है? जोड़ा क्या बन रहा, दो अंक दशमलव लगा दिए। अगर ये इस तरह से दे दिया जाए तो 7.2 तो माना दशमलव नहीं है, माना दशमलव नहीं है, 7.2 तो 729 के पहले क्या होता है 27। जोड़ा क्या का बना 2.7, कोई समस्या क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़ा जाए, यहां तक समस्या नहीं आ रही आप लोग को? अगर ये घनमूल निकालने की बात, जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं हम, वर्गमूल की बात ले लेते हैं हम, अगर जैसे कोई नंबर अपने मन से बताइए, जैसे कोई हम 0.002401 का वर्गमूल क्या होगा? परीक्षा में प्रश्न आएगा घबराहट, कैसे लेगा कैसे लेगा, कुछ नहीं करेगा। हम आपको कहते हैं 50 तक का वर्ग कम से कम याद कर रखिएगा, तो नहीं याद करें तभी आपको 2401 है। तीन जानते हैं 2401 किसका वर्गमूल है, ये 49 का वर्ग है, इसका वर्गमूल 49 होगा। जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा, दो ये अंक है, एक जीरो पे आप चलेंगे दशमलव, नंगा नहीं छोड़ना चाहिए, जीरो बढ़ा के दिए 0.0049। कोई समस्या? इस तरह घनमूल भी निकलेगा, लेकिन घनमूल केवल केवल गुणनखंड विधि से निकलता है, भाग विधि से नहीं। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत या कोई समस्या आ रही हो तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना समस्याओं में। अब घनमूल में आ गया, जैसे अगर आ गया यहां पे 0.027 का घनमूल, क्योंकि कर्णी घात तीन है, घनमूल क्या होगा तब देखेंगे हम। केवल 27 घनमूल क्या होगा, तीन जोड़ा तीन अंक का बनाएंगे 0.0, मतलब कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत या समस्या हो तो बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। समझ में आ रही कहानी? अब अगर दे दिया जाए प्रश्नावली सेम इसी तरह रहे, थोड़ा सा बदलाव किया जाए, ज्यादा बड़ा बदलाव ना किया जाए, 0.00512 का घनमूल क्या होगा? तो क्या हमें जानते हैं कि 512 घनमूल 8, तीन तीन का जोड़ा बना दो अंक, तो दो अंक पे दशमलव, बस
समझ में आ रहा है? आ गया ना? तो अंक बहुत मायने रखते हैं। अगर चार दशमलव जीरो नौ छः का घनमूल निकालना हो तो कैसे? ये दशमलव है, एक अंक जोड़ा बना, हम जानते हैं 16 होगा, ये दशमलव छः, बस। दशमलव मतलब कुछ भी नहीं, केवल एक भ्रम है बस, भ्रम भी खत्म हो गया। एक भ्रम था वो भी खत्म। यहां तक कोई समस्या किसी को? आप लोग को? अब आते हैं इस वर्गमूल घनमूल के, फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आते हैं अध्याय दो अध्याय और पढ़ेंगे, घातांक और कर्णी एक साथ पढ़ेंगे, फिर वर्गमूल घनमूल एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे घातांक और कर्णी। तो घातांक और कर्णी सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? घातांक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? घातांक। घातांक के लिए कुछ बातें जानने योग्य जरूरी है, यहाँ तक पहले समझ लीजिए ताकि इसके बाद हम लोग अगला अध्याय में चले। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना? प्रश्न लिख लीजिएगा, उसका जवाब दीजिएगा, होमवर्क होमवर्क लिख लीजिएगा। निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करें। निकालेंगे ना? चलिए घनमूल दे दिया जाए, घनमूल भी लिख लीजिए, घनमूल ज्ञात करिए। नौ दशमलव दो छ एक, घनमूल ज्ञात करेंगे उनका, जीरो दशमलव जीरो जीरो तीन तीन सात पाँच। नहीं देगा, यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? कोई दिक्कत? निकालेंगे, बताइए निकालेंगे। अगर ये सवाल को इस तरह से दे दिया जाए, देखिएगा आप लोग, का मान होगा कैसे निकलेगा? सेम तरीका होगा, कोई अलग से विधि नहीं होगी। ये इसका अगर हम निकालेंगे ऊपर का, दो अंक दशमलव बनेगा, कितना आएगा? जीरो दशमलव तीन। नीचे बनेगा एक एक जोड़ा खाली बनेगा, बत्तीस का होता है तीन दशमलव। अब इसे भिन्न को, ये दशमलव दो अंक पर है दशमलव, तब क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए? एक अंक दशमलव उधर किसका आएंगे, तो ये हो जाएगा अगर एक अंक दशमलव खसका के उधार करते हैं
या कुछ नहीं करेंगे, ये कितना दिया, 0.31, नीचे कितना दिया है 3.2, दशमलव खत्म करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, इसका कहेंगे तो एक अंक पे है, इसका खत्म करने ऊपर 10, इस पे दो अंक पर है, इसका नीचे 100, ये लड्डू से लड्डू खत्म। अब ऊपर बचा 31/32×10, फिर हो गया 31/320। ठीक, लिख लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना बेहद आसान, नीचे दशमलव ऊपर, ऊपर दशमलव नीचे भी उल्टा होता है, क्यों होता है वो भी आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग दशमलव पढ़ेंगे तो भी पढ़ लेंगे क्यों होता है, तो बढ़िया समझ लीजिए, दिक्कत अगर हो तो बताइए। हो गया क्लियर? कर लेंगे आप लोग? घनमूल का भी रहे, घनमूल का भी कर लेंगे, वर्गमूल जिसका भी पूछेगा आप आसानी से, घनमूल का भी कटो करा दिया जाए। इसे घनमूल में अगर करना है, तीन दशमलव 4/3/512 का घनमूल क्या हो, आपको याद है? रटा रटा है ऊपर का, सॉरी ये वर्गमूल का थोड़ा गलती हो गई, रुक जाइए, जीरो दशमलव 3/4 अब निकले, ऊपर वाले कितना हो जाएगा 0.7, नीचे का हो जाएगा, दशमलव खत्म करना है, क्या करेंगे 7/8 क्लियर हुआ, देख लीजिए तब एक प्रश्न है, काम आना होगा, घनमूल निकालना है 2.744 पूरे 0.00027, क्या होगा निकाल कर बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
ठीक, अब लगा लीजिएगा इसका जवाब, आप लोग बताइएगा नीचे। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। अब आसान से निकालेंगे, इसका ऊपर कितना होगा, क्या होगा, हाँ कितना, वैसे होता ये 14 का घनमूल है पूरे का बटा, ये 3 होता, लेकिन कितना हो जाएगा, सुन लो बस, बाकी कंडीशन आपको पता है क्या करें, तो हो जाएगा 14/3 गुड़े ऊपर 100 कट गया 140 बटा, सही बटा बदल दीजिए, सही बटा में चेंज कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे और कैसे कैसे नए नए प्रकार के प्रश्न हमें मिलते हैं, प्रश्नों कैसे कैसे सामना करना पड़ता है। तब तक के लिए हाँ इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के लिए आज हमने बताया नहीं, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306334367 टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल के सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, ज्वाइन करिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश, दुर्गेश सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे, फेसबुक पेज भी दुर्गेश सर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध है, वाराणसी में हमारी ब्रांच शुरू भी हो गई है, चल भी रही, सब कुछ सही रहेगा तो बनारस में भी कई ब्रांचेज लग जाएंगे।